हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक विद सुमन राठौड़ पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरे विश्व में कोरोना वायरस ने अपना आतंक मचा के रखा हुआ है। हर इंसान चाहता है कि वो एकदम स्वस्थ रहे, इस बीमारी से बचा हुआ रहे, जिसका फिलहाल एक ही इलाज है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, तभी इस बीमारी को आप हरा पाएंगे। यहाँ मैं आपके लिए एक ऐसा ही इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक लेके आई हूँ, जो ना केवल आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा, आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। और इस ड्रिंक में मैंने जिन भी चीज़ों का उपयोग किया है, वो आपको आपके किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ड्रिंक को, इस इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। पैन में मैंने यहाँ पर आधा लीटर पानी लिया है। अब इस पानी में हम यहाँ पर अदरक डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा अदरक को कद्दूकस कर लिया था। अदरक एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है और यह हमें सर्दी खांसी जुकाम से भी बचाती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, और अस्थमा के रोगियों के लिए तो ये एक वरदान से कम नहीं है। अब हम यहाँ पर इसमें 3-4 तुलसी के पत्ते डाल देंगे। तुलसी एक आपको बहुत ही आसानी से घर में मिल जाएगी और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट विटामिंस पाए जाते हैं और ये पेट की बीमारियों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अब हम इसमें एक नींबू का रस डाल देंगे। यहाँ पर नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और ये खून साफ करने में हमारी बहुत मदद करता है। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और ये वेट लॉस में भी हमारी मदद करता है। अब हम इसमें यहाँ पर थोड़ी हल्दी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने साबुत हल्दी ली है। साबुत हल्दी को कूटकर पाउडर बना लिया था। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको साबुत हल्दी नहीं मिलती है तो आपके घर में जो हल्दी है आप वही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हल्दी ना केवल हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि इसमें एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब मैं यहाँ पर 4-5 काली मिर्च को कूट कर डाल दूँगी। काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह हमें सर्दी खांसी से भी बचाता है। अब मैं यहाँ पर 2 लौंग डाल दूँगी। इसमें लौंग क्योंकि बहुत गर्म होता है, इसलिए मैं 2 ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ठंडे इलाकों में रहते हैं या आपको सर्दी जुकाम है तो आप 2 की जगह 4 लौंग यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें यहाँ पर दालचीनी पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर ले रही हूँ। दालचीनी पाउडर में एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारी कोशिकाओं को मजबूत करता है और शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम रखता है और बीपी को भी कंट्रोल रखता है। अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस पानी को हम तब तक उबालेंगे जब तक ये पानी आधा ना रह जाए। ये पूरा 50% तक कम हो जाएगा, तब तक हम इसे ऐसे ही उबालते रहेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी जो ड्रिंक है वो एकदम आधी हो चुकी है, पूरी 50% तक कम हो गई है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। जैसा आप चाय पीते हैं, इसे उतना ही गर्म रखना है। अब यहाँ पर मैंने 1 ग्लास ले लिया है। इस ग्लास में हम अपनी जो इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक है उसे छान लेंगे। दोस्तों, ये ड्रिंक बहुत ही अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाएगी और आपको अंदर से मजबूत भी बनाएगी। अब इस ड्रिंक में हम यहाँ पर 1 चम्मच शहद ऐड कर देंगे। शहद एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि है और ये हमें सर्दी खांसी जुकाम से भी बचाती है, साथ ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। हमारी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बनकर एकदम तैयार है। आप इसे घर पर ज़रूर बना के देखिएगा। यह आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही हेल्दी और इम्यूनिटी बूस्टर रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।